करोड़ों भारतीयों के रोम रोम में बसने वाले राम आखिर कौन थे? वे काल्पनिक भगवान थे या फिर ऐतिहासिक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान? क्या उन्होंने वास्तव में ही राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था? यदि हां तो कब और कहां? क्या उन्होंने अयोध्या से लंका तक दुर्जनों के अत्याचारों से सज्जनों की रक्षा करते हुए सचमुच ही यात्रा की थी? क्या श्री राम ने वास्तव में एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी जो आज तक अतुलनीय है? ऐसे बहुत से प्रश्नों के विश्वसनीय उत्तर ढूंढने के लिए श्रीमती सरोज बाला ने 17 वर्ष तक वैज्ञानिक अनुसंधान किया। वाल्मीकि रामायण के खगोलीय संदर्भों के तारामंडल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर आकाशीय चित्र लिए, उसमें दिए धनुष व बाण, बर्तन व आभूषण, पेड़ व पौधों की पुरातात्विक तिथियों का आकलन किया। समुद्र विज्ञान की रिपोर्टों के आधार पर यह निर्धारित किया कि क्या 7000 वर्ष पहले राम सेतु सचमुच ही पैदल चलने योग्य जल स्तर पर था। अंत में सरोज बाला ने एक शानदार तथा उत्कृष्ट पुस्तक लिख डाली जिसका नाम है रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी। इसी विषय पर अंग्रेजी में लिखी अपनी पुस्तक को उन्होंने नाम दिया रामायण रिटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंसेस। इन्हीं पुस्तकों में दिए तथ्यों पर आधारित है ये वृत्त चित्र रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी। ये कहानी लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नूतन युग होलोसिन के आरंभ से शुरू होती है, अर्थात पिघलते हिमयुग की समाप्ति पर नए युग का प्रारंभ हुआ। उस समय सरयू के किनारे कौशल राज्य की स्थापना कर सूर्यवंशी राजाओं का शासन प्रारंभ हुआ। इसको मानव उद्भव युग भी कहा जाता है क्योंकि यही युग है जिसमें ये माना जाता है कि आधुनिक मानव का विकास हुआ। राजा दशरथ 63वें प्रख्यात शासक थे, उन्हीं के पुत्र के रूप में श्री राम ने जन्म लिया था। राजा दशरथ ने हजारों वर्ष पूर्व बसंत ऋतु के आगमन पर चैत्र मास में पुत्र कामिष्टि यज्ञ का आयोजन किया। उसके ठीक एक वर्ष बाद श्री राम का जन्म हुआ। इन श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म के समय पर ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों की स्थितियों का विस्तृत विवरण दिया है। महर्षि वाल्मीकि एक बहुत बड़े खगोलविद थे। उन्होंने श्री राम के जन्म के समय की सभी ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इन स्थितियों को जब हम आधुनिक प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखते हैं तो हूबहू वही एक आकाशीय चित्र 25,920 वर्ष में एक ही बार दिखाई दे सकता है। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने कहा कि श्री राम के जन्म के समय चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी थी, दोपहर का समय था, सूर्य मेष में थे, शुक्र मीन में थे, मंगल मकर में थे, शनि तुला में थे और बृहस्पति कर्क में थे और उनके साथ ही चंद्रमा भी चमक रहे थे और कर्क राशि पूर्व से उदय हो रही थी। हूबहू यही आकाशीय दृश्य प्लैनेटेरियम 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को दर्शाता है और स्टिलेरियम उसके 40 दिन बाद 19 फरवरी 5114 ईसा पूर्व को दर्शाता है। और हमने ये भी वेरीफाई किया कि इन तिथियों से 25,920 वर्ष पहले या फिर 25,920 वर्ष बाद हूबहू वही स्थितियां किसी और दिन नहीं देखी जा सकती। इसलिए वाल्मीकि जी द्वारा दिए हुए डिटेल हूबहू और पूर्णता सत्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि
बावरी संरक्षणा क्षेत्र में की गई खुदाई में पिछले 2500 वर्षों में बनते टूटते विष्णु मंदिर भी यही इंगित करते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। श्री राम की आयु 16 वर्ष की लगभग थी तो विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ को संपूर्ण करने हेतु 10 दिन के लिए राजा दशरथ से लेने आए। श्री राम ने लक्ष्मण सहित ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान किया। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहां आए हैं। सिद्धाश्रम पहुंचकर श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने आए राक्षस सुबाहु का वध कर दिया। और मारीच को मीलों दूर फेंक दिया। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद राम और लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र मिथिला की ओर चल दिए। सिद्धाश्रम से मिथिला जाते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिले संत कबीर नगर को अवश्य पार किया होगा। इस जिले में लहुरा देवा नामक स्थान पर पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई में ऐसे अनेक साक्ष्य मिले जो 7000 वर्ष पूर्व रामायण काल से संबंध रखते हैं। यहां पर मिले चावल, गेहूं, तिल, कीमती पत्थरों के मोती, टेरिकोटा बर्तनों के टुकड़ों तथा तांबे के वाड़ाग्रों आदि की कार्बन डेटिंग इन्हें 7000 वर्ष पुराना ही बताती है। पूरे विश्व में प्राचीन वस्तुएं जो खुदाई में मिलती हैं, उनका तिथि निर्धारण कार्बन डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। मिथिला जाते हुए महामुनि विश्वामित्र ने श्री राम को गंगा की उत्पत्ति की कहानी भी सुनाई। गंगा सूर्य वंश के 44वें राजा भागीरथ के प्रयत्नों से 40वें राजा सगर द्वारा खुदवाए हुए मार्ग से धरती पर प्रवाहित हो समुद्र अर्थात गंगा सागर में जा मिली। उन्होंने कहा, स्वर्ग जैसी ऊंची शिवलिंग की पहाड़ियों से गंगा का पानी शिवजी की जटाओं जैसे उलझे हुए गंगोत्री के ग्लेशियरों से होता हुआ भागीरथ की तपस्या से पूर्वी भारत के मैदानों से बहता हुआ समुद्र अर्थात गंगा सागर में जा मिला। अर्थात जो आस्था वाले लोग हैं वो कह सकते हैं कि गंगा स्वर्ग से उतरी, शिवजी की जटाओं में उलझी और भागीरथ की तपस्या से समुद्र में जा मिली। और वैज्ञानिक आधार वाले लोग इसको कहेंगे कि शिवलिंग की पहाड़ियों से निकलकर गंगा गंगोत्री के ग्लेशियरों से होती हुई भागीरथ की एफर्ट से पूर्वी भारत से बहती हुई समुद्र में जा मिली। 8000 वर्ष पूर्व से 7000 वर्ष पूर्व के बीच में समुद्री जल स्तर में 8 मीटर की वृद्धि एनआईओ गोवा द्वारा तैयार की गई सी लेवल कर्व भी दर्शाती है। गंगा को पार कर श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने स्नेह पूर्वक उनका स्वागत किया। अब मेरी प्रार्थना है आप राजमहल में चलकर निवास कीजिए जिससे इस सेवक को स्वयं आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी मुह
विदेह विदेह देश की। राजा जनक ने दोनों राजकुमारों को भगवान शिव के दिव्य धनुष का वृतांत सुनाया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस धनुष पर वार चढ़ा देगा वही सीता का पति बनेगा। दिव्य धनुष को वहां लाया गया। महामुनि की आज्ञा से श्री राम ने धनुष उठाया, प्रत्यंजा चढ़ाकर जैसे ही खींचा तो धनुष टूट गया। राजा जनक आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने राजा दशरथ के पास शीघ्र अपने दूत भेजे। अयोध्या से राजा दशरथ ऋषियों, मंत्रियों, संबंधियों तथा अनेकों मूल्यवान वस्तुओं को साथ लेकर शीघ्र ही मिथिला के लिए चल पड़े। राजा जनक ने उन सब का भव्य स्वागत किया। उत्तर फागुनी नक्षत्र में जनक दुलारी सीता का विवाह श्री राम से तथा राजा जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से संपन्न हुआ। उसी समय राजा जनक के भाई कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी की शादी भरत से तथा छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से कर दी गई। राजा दशरथ चारों राजकुमारों तथा चारों पुत्र वधुओं को लेकर प्रसन्न चित्त होकर अयोध्या लौट गए। राजा दशरथ दिन प्रतिदिन बूढ़े और निर्बल होते जा रहे थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में श्री राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। कैकई के मन में कुबड़ी दासी मंथरा ने जहर घोल दिया। देवासुर संग्राम में उनके प्राण बचाने के एवज में राजा ने उन्हें दो वर देने का वायदा किया था। कैकई ने राजा से पहले वर के रूप में भरत का राज तिलक और दूसरे वर के रूप में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। क्या भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज। नियति का खेल देखिए। जो शुभ समय मुनि वशिष्ठ ने श्री राम के राज्याभिषेक के लिए निश्चित किया था, ठीक उसी समय उन्होंने 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान किया। सीता और लक्ष्मण उनके साथ वनों को जाने की जिद पर अड़ गए। नहीं राम, तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। हम विद्रोह करेंगे।
पूरी अयोध्या आंसुओं में डूब गई। चंद्रमा उस समय कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में था। सूर्य और मंगल राजा दशरथ की मीन राशि में रेती नक्षत्र को घेरे हुए थे। बृहस्पति, मंगल और बुध आकाश में दिखाई दे रहे थे। आकाश का हूबहू यही दृश्य प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर ने 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व को दर्शाया है। ये श्री राम का 25वां जन्मदिन भी था। श्री राम को वन की ओर प्रस्थान करते देख दुख में डूबे हजारों अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे चल दिए। जब थके टूटे और गमगीन अयोध्या के लोग रात को तमसा नदी के तट पर सोए हुए थे, तो श्री राम सुमंत्र के साथ रथ में बैठकर कौशल जनपद की सीमा से बाहर श्रृंगवेरपुर की ओर चले गए। वहां का मुखिया कोल जनजाति का गुह निषाद श्री राम का परम मित्र था और समाचार सुनते ही श्री राम के स्वागत के लिए पहुंच गया। वो नाना प्रकार के भोजन जिनमें भक्ष्य, भोज्य पेय और लेह आदि शामिल थे, ये सब लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। परंतु श्री राम ने विनम्रता पूर्वक उसे समझाया कि ऐसे स्वादिष्ट भोजन का सेवन करना संन्यास धर्म का उल्लंघन होगा। केवल गंगा जल पीकर गंगा नदी के किनारे तीनों शाही तपस्वियों ने दूसरी रात बिताई। संतप्त मन सुमंत्र को करुणा भरे व प्रेम पूर्वक शब्दों के साथ विदा कर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित केवट की सहायता से गंगा नदी को पार किया। फिर अगले दिन वो गंगा यमुना संगम के निकट स्थित भारद्वाज आश्रम पहुंचे। संगम के निकटवर्ती क्षेत्र में झुस्सी और हेटा पट्टी में की गई खुदाइयों में 7000 वर्ष पुराने धान, जौ, गेहूं, तिल, आंवला व अंगूर आदि मिले तथा कुछ वाड़ाग्रों व टेरीकोटा बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं। भारद्वाज मुनि ने सुझाव दिया कि तीनों शाही तपस्वी चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर वहीं निवास करें। लंबी यात्रा के पश्चात वो तीनों चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम पहुंच गए। लक्ष्मण ने एक अत्यंत सुंदर पर्ण कुटी का निर्माण किया। श्री राम तथा लक्ष्मण चित्रकूट की सुंदरता का वर्णन कर तथा विभिन्न प्रकार के फल फूल सीता को भेंट कर उनका मन बहलाने का सदैव प्रयत्न करते रहते थे। उधर श्री राम के जाने का वियोग राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए और सुमंत्र से यह जानने के बाद कि वो वनों की ओर चले गए हैं, कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। मुनि वशिष्ठ ने दूत भेजकर भरत तथा शत्रुघ्न को
उनके ननिहाल कैकई प्रदेश से वापस बुला लिया। सतलुज, सरस्वती, यमुना, गंगा और गोमती नदियों को पार कर उन्होंने 8वें दिन अयोध्या में प्रवेश किया। ये नदियां आज भी इसी क्रम में बहती हैं। कैकई से सारे घटनाक्रम को जानने के पश्चात भरत अत्यंत दुखी और संतप्त हो उठे। महारानी कैकई, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। भरत, पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है, परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए विवश हूं। लेकिन आज के बाद गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार भरत ने राजा दशरथ के अंत्येष्टि संस्कार का उत्तम प्रबंध किया। आजकल की तरह ही शमशान भूमि में देवदार तथा चंदन की लकड़ी की चिता तैयार की गई। मंत्रोच्चारण करते हुए शव को अग्नि दी गई। तेरहवें दिन अस्थियों को एकत्रित कर जल में प्रवाहित किया गया। चौदहवें दिन राज्याभिषेक हेतु आगरा को ठुकराकर भरत माताओं, मंत्रियों तथा गुरुओं के साथ लेकर श्री राम को अयोध्या वापस लाने की ठान कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। भरत के अनुनय विनय के बावजूद भी श्री राम 14 वर्ष तक वनों में रहने के अपने संकल्प पर अडिग रहे। जब कोई और विकल्प नहीं बचा तो भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस आ गए। चित्रकूट तो पूरा ही वाल्मीकि रामायण के संदर्भों से मिलता है। भरत तथा अन्य परिजनों के चित्रकूट से जाने के पश्चात तीनों राजसी सन्यासियों का वहां मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही चित्रकूट छोड़कर घने दंडक वन में प्रवेश किया। दंडक वन में श्री राम शरभंग मुनि तथा सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रमों में गए। ऐसा माना जाता है कि तीनों शाही तपस्वी 10 वर्षों तक दंडक वन में अलग अलग ऋषियों तथा तपस्वियों से मिलते रहे और असुरों के अत्याचारों से उनकी रक्षा करते रहे। इसी कारण इस क्षेत्र में श्री राम के अनेकों स्मृति चिन्ह आज तक संरक्षित हैं। तीनों शाही तपस्वियों ने दंडक वन में पर्वत शिखरों, गुफाओं तथा जंगलों का भ्रमण किया। कुछ चित्र छत्तीसगढ़ के जगदलपुर क्षेत्र में स्थित कुटुम्बसर की गुफाओं के देखें, जहां मिले 7000 वर्ष पुराने अनाज के दाने आगंतुकों को रामायण में वर्णित संदर्भों का स्मरण करवाते हैं। दंडक वन का क्षेत्र लगभग 92,300 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से शामिल थे। मैंने सन 2008 में एक अद्भुत गुफाओं को देखा, जिनका नाम था कुटुम्बसर, और ये स्थित हैं बस्तर एरिया के जगदलपुर जिले में। और 1993 में इन गुफाओं को देखने का रास्ता खुला था। इनके अंदर लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं जिनमें आदमी सो भी सकता है, और फ्रेश वाटर के कुएं भी हैं। गुफा कहाँ स्थित है? गहरे जंगल में ऊंचे पहाड़ के नीचे अंदर, और वहाँ से कुछ अनाज के दाने बर्नट जो मिलते हैं वो मिले, और उनकी कार्बन डेटिंग उन्हें 7000 वर्ष पुराना बताती है।
मुझे तो ऐसे लगने लगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वहीं कहीं जरूर बैठे होंगे। अपने वनवास के 12वें वर्ष में श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। इस आश्रम में तालाब तथा वाटिका के साथ साथ अग्निशाला अर्थात फाउंड्री का भी संदर्भ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को एक दिव्य धनुष, दो दिव्य वाणों से भरे हुए तरकस तथा अमोघ वाण भेंट किए। अगस्त्य मुनि ने अपने निकटवर्ती क्षेत्र पंचवटी में कुटिया बनाकर सीता तथा लक्ष्मण सहित सुखपूर्वक रहने का सुझाव भी श्री राम को दिया। शीघ्र ही लक्ष्मण ने पंचवटी में एक सुंदर पर्ण कुटी का निर्माण कर दिया तथा तीनों शाही तपस्वी प्रसन्न चित्त हो उसमें रहने लगे। कहा जाता है कि पंचवटी का नाम पंचवटी इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पांच वट वृक्ष थे, परंतु प्रसिद्ध पैलियोबॉटनिस्ट प्रेमेंद्र प्रियदर्शी के अनुसार ये पांच वट वृक्ष पांच वटों की अलग अलग जातियां प्रजातियां भी हो सकती हैं, जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, पलाक्ष, उदुम्बरा और उदुम्बरी। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। उसने मोहित होकर पहले श्री राम से और फिर लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु ठुकराए जाने पर वो सीता के वध हेतु झपट पड़ी। तभी श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने उसके नाक व कान काट दिए। सुपर्णखा के भाई खरदूषण 14,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़े। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार उस समय सूर्य ग्रहण दिखाई दिया और ग्रहण के समय मंगल ग्रहों के मध्य में था। ये ग्रहण पौष मास की अमावस्या को 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व वाले दिन नासिक से दिखाई दिया। श्री राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए मोहनास्त्र का प्रयोग कर 14,000 राक्षसों को मार गिराया और फिर खरदूषण का भी वध कर दिया। क्रोध से लाल हुई सुपर्णखा सीधी लंका में रावण के दरबार में पहुंची। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए भाई रावण को परम सुंदरी सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया। पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण पंचवटी की ओर बढ़ गया। उसने समुद्री तट पर केले, नारियल, साल, चंदन तथा बरगद के पेड़ देखे। पुराव वनस्पति अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है इन वृक्षों के जीवाश्म, विशेषकर केले के जीवाश्म, 7,000 वर्ष पहले दक्षिण भारत में विद्यमान थे। रावण सीधा एक बड़े न्यागरोध वृक्ष के पास बनी मारीच की कुटिया में पहुंचा और उसे डरा धमका कर अपने षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मना लिया। सुंदर सुनहरी मृग का रूप धारण कर मारीच सीता की नजरों के आगे इधर उधर विचरण करने लगा। ऐसे विचित्र मृग को देखकर सीता उसे प्राप्त करने की जिद कर बैठी। माया मृग के पीछे भागते हुए श्री राम ने एक तीर छोड़ा और अपने असली रूप में आकर मारीच ने श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय
फांसीते फांसीते फांसीते। सीता ने विचलित होकर लक्ष्मण को श्री राम की सहायता हेतु शीघ्र जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही सीता को अकेला छोड़कर लक्ष्मण कुछ दूरी पर गए, साधु के वेश में रावण ने और बल का प्रयोग कर सीता का अपहरण कर लिया और पुष्पक विमान में बिठा उन्हें लंका की ओर ले जाने लगा। सीता विहीन कुटिया को खाली देखकर श्री राम अपना धैर्य खो बैठे। चारों तरफ खोजते हुए पेड़ों पत्तों से और पशु पक्षियों से सीता का पता पूछने लगे। तभी गरुण राज जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता का अपहरण कर वायुमार्ग से उन्हें दक्षिण की ओर ले गया है। फिर दोनों राजकुमार मतंग वन में पंपा सरोवर की दिशा में आगे बढ़े और उनकी मुलाकात मतंग ऋषि की शिष्या शबरी से हुई। शबरी भील जाति की थी और आनुवांशिक अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि कोल, भील और गोंद पिछले 10,000 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। भील जाति के लोगों से मिलकर ये बात करने का अवसर मुझे नहीं मिल सका, मगर कुछ गोंद लोगों से जो बस्तर एरिया में रहते थे उनसे बातचीत हुई, तो उनके राम जो हैं उनके असली आइडियल हैं वो सारे उनके त्यौहार दशहरा दिवाली पूरे ट्राइबल एरिया में खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। सीता की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम ऋष्यमूक पर्वत क्षेत्र में हनुमान से मिले, जिन्होंने उन्हें सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव ने बताया कि उनके बड़े भाई बाली ने उनकी पत्नी को उनसे छीन कर राज्य से बाहर निकाल दिया है। श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिलवाया तथा उसकी पत्नी रूमा से उसका पुनर्मिलन करवाया। इतिहासकारों का मानना है कि किष्किंधा तुंगभद्रा नदी के समीप बसा हुआ नगर था। कर्नाटक के हम्पी में स्थित एनागोंडी नामक गांव को प्राचीन किष्किंधा की राजधानी माना जाता है। मुझे किष्किंधा जाने का सौभाग्य मिला। ये वही एरिया है जिसे हम्पी कहा जाता है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूएनओ ने डिक्लेयर किया हुआ है। वहाँ के लोगों का मानना है कि वहीं पे स्थित एक एनागोंडी है छोटा गांव है वही प्राचीन किष्किंधा की राजधानी हुआ करती थी। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए वहाँ मिली। वहाँ पे खुदाइयों में कुछ जो चीज़ें मिली हैं उसमें पत्थर के औजार मिले हैं। आपने अगर ध्यान से वाल्मीकि रामायण को पढ़ा हो तो उसमें किसी भी वानर योद्धा ने, चाहे वो हनुमान हो, सुग्रीव हो, अंगद हो, कभी धनुषवान या तलवार का प्रयोग नहीं किया। वो केवल पत्थर के हथियारों का, औजारों का ही प्रयोग करते थे। और साथ में मैंने एक और भी वहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ थोड़ी दूर एक वानर ट्राइब के लोग रहते थे और 1867 में ब्रिटिश लोगों ने उनकी गिनती करवाई थी और उनकी गिनती जो है वो उस समय भी 367,000 थी। इन लोगों की विशेष बात ये है कि ये एजाइल थे, खूब एक्टिव थे और उनके एक छोटी छोटी टेल थी बाकी, और किसी भी अच्छे अवसर पर या और फंक्शन में वो उस छोटी टेल के ऊपर कॉटन के कपड़े बांध बांध के धोती के बीच में से बड़ी टेल निकाल लेते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि क्या बात है कि वाल्मीकि रामायण में जो वानर हैं वो बंदर नहीं है, तुलसी में वो बंदर हैं, मगर वाल्मीकि रामायण में जो वानर हैं वो पढ़े लिखे अच्छे समझदार ट्राइबल हैं,
उनमें कुछ मंकी से मिलती जुलती शक्लें और कुछ फीचर्स हैं। वर्षा ऋतु के चार महीने श्री राम और लक्ष्मण प्रसवर्ण पर्वत की गुफाओं में रहे और फिर सुग्रीव ने चारों ओर वानर सैनिकों को सीता की खोज हेतु भेजा। हनुमान, अंगद और जामवंत दक्षिण दिशा की ओर गए। संपत से जानने के बाद कि रावण ने लंका की अशोक वाटिका में सीता को कैद कर रखा है, हनुमान ने महेंद्र पर्वत की चोटी से प्रबल छलांग लगाई। ये शायद कम ऊंचाई वाले रामानाथापुरम में स्थित गंधमादन पर्वत का ही दूसरा नाम था, क्योंकि उस समय समुद्र के जल का स्तर लगभग 10 फुट नीचे था। लंका पहुंचकर हनुमान ने सीता को सुंदर भवनों की अट्टालिकाओं, बड़े बड़े भवनों और रावण के महल के भीतर ढूंढा, परंतु कोई सफलता न मिली। उसी क्षण उन्होंने महल की एक दीवार से एक सुंदर वाटिका को देखा। फिर उन्होंने एक शीशम के पेड़ के नीचे बैठी सुंदर मुख वाली दुख से आक्रांत तपस्विनी सीता को देखा। उसके चारों ओर राक्षसियों का पहरा था। हनुमान सिमसिपा पेड़ पर छुपकर बैठे सब कुछ देख रहे थे। तभी कई सुंदर स्त्रियों से घिरे रावण ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उसने पहले तो सीता को उसे पति के रूप में स्वीकार करने के लिए समझाया बुझाया, परंतु सीता की फटकार सुनने के बाद उसने सीता को डराया धमकाया। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार उस समय सीता जी का मुख उस पूर्णिमा की रात में ग्रहण से ग्रसित चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था, जो उस समय लंका के आकाश में देखा गया। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर 12 सितंबर 5076 ईसा पूर्व को मार्गशीर्ष मास की अंतिम पूर्णिमा वाले दिन शाम 4:15 से 6:55 तक कोलंबो से आकाश में इस चंद्र ग्रहण को दर्शाती है, जबकि स्टेलेरियम 40 दिन बाद 22 अक्टूबर 5076 ईसा पूर्व को इस ग्रहण को दर्शाती है। शिनशपा अर्थात शीशम के पेड़ में छिपकर बैठे हनुमान सब देख रहे थे। फिर उन्होंने सीता जी से अपना परिचय देते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र श्री राम विशाल सेना के साथ लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और सीता जी को अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। हनुमान ने श्री राम द्वारा भेजी हुई मुद्रिका सीता को भेंट की और सीता जी ने अपनी चूड़ामणी श्री राम को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करने के लिए हनुमान को दी। फिर उन्होंने रावण के मन में कुछ डर उत्पन्न करने की ठानी। उन्होंने कई पेड़ जड़ से उखाड़ दिए, वाटिका के भवनों को तोड़ फोड़ दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया और लंका के कई सुंदर भवनों को आग के हवाले कर दिया। 14 सितंबर 5076 ईसा पूर्व को हनुमान वापस चल पड़े और समुद्र के बीचों बीच स्थित सुनाम पर्वत पर तेजी से उतरे। ये यात्रा उन्होंने लगभग 4 घंटे में तय की, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने आकाश में देखी गई 8 राशियों का वर्णन किया है। अंगद, जामवान तथा अन्य साथियों को साथ लेकर हनुमान ने श्री राम तथा सुग्रीव से भेंट की और लंका की घटनाओं का पूरा वृतांत सुनाया। सीता द्वारा भेजी हुई चूड़ामणि को श्री राम के हाथों में देते हुए हनुमान ने अतिशीघ्र उस तपस्विनी सीता को राक्षस राज रावण के चंगुल से छुड़वाने पर जोर दिया।
19 सितंबर 5076 ईसा पूर्व को ही श्री राम तथा सुग्रीव ने सेनाओं सहित रामेश्वरम की ओर प्रस्थान किया। सहज तथा मलय पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए सेना ने तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों को पार किया। किष्किंधा से हासन, मैसूर, त्रिचुरापल्ली तथा मदुरई को पार करती हुई ये सेना रामेश्वरम पहुंची। उधर रावण से अत्यंत अपमानित होकर विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। 3 दिन के सर्वेक्षण के बाद श्री राम ने समुद्र के भीतर उस उथले भाग का पता लगाया जहां जल कम गहरा था। नल ने सेतु का निर्माण प्रारंभ किया। 5 दिन में विभिन्न पेड़ों, पत्थरों तथा चट्टानों को बांधकर संरचना पूरी कर ली गई। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में दिए गए वर्णनों के अनुसार जो राम सेतु है वो कुछ बरेतियों, टापुओं और पर्वतों से की स्वाभाविक श्रृंखला है जो समुद्र के नीचे नीचे भारत को श्रीलंका से जोड़ती है, और उनमें कुछ स्थानों को भरना था जोड़ने के लिए जो गैप थे, और ऐसे 5 गैप थे जिनको वाल्मीकि जी के अनुसार श्री राम द्वारा आइडेंटिफाइड रूट्स में नल के लीडरशिप में भरा गया। वाल्मीकि रामायण में दिए गए राम सेतु के इन संदर्भों की परिपुष्टि नासा, गूगल तथा NIO ने की है। आखिर किस प्रकार नासा, गूगल तथा NIO ने इस तथ्य को प्रमाणित किया, आइए यही समझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा है, राम सेतु एक अद्भुत निर्माण था, शायद विश्व का प्राचीनतम सेतु था, और जब तक नासा ने 20 वर्ष पहले उसके सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि राम सेतु भी एग्जिस्ट कर रहा है। नासा ने जो सैटेलाइट इमेजेस दिए वो उसके साथ नासा के वेबसाइट पे लिखा था कि ये 30 मील अर्थात 50 किलोमीटर के करीब लंबा है, भारत में धनुषकोटि से लंका में तलाई मन्नार तक स्थित है, और खाड़ी बंगाल को दक्षिणी हिंद महासागर से अलग करता है, और ये टापुओं, बरेतियों और पहाड़ियों की रनिंग नेचुरल चेन है। तो एकदम हूबहू नासा ने ये भी कहा कि ये एग्जैक्ट उसी स्थान पे है जो वाल्मीकि ने रामायण में मेंशन किया है। तो नासा ने सभी को अवेयर कराया कि वाल्मीकि जो रामायण में मेंशन किए हुए सेतु को उसी तरह पाया गया है सैटेलाइट इमेजरी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा द्वारा तैयार किया गया सी लेवल कर्व दर्शाता है कि 7100 वर्ष पहले समुद्र का जल स्तर लगभग 3 मीटर नीचे था, और इस प्रकार सेतु का उपयोग भारत और लंका के बीच भूमार्ग के रूप में किया जा सकता था। भारत के पृथ्वी विज्ञान विभाग के अनुसार सेतु की ऊपरी सतह पर रेत तथा कोरल के टुकड़े बिछाए गए थे। सेतु को तोड़कर जहाज मार्ग बनाने के सभी प्रयत्न असफल हुए। हॉलैंड से आयातित ड्रेजर कार प्रारंभ करते ही 2 भागों में टूट गया और समुद्र में डूब गया। ड्रेजर को निकालने गई क्रेन भी टूटकर समुद्र में डूब गई। आस्थावान इसे दैवीय घटनाएं मान रहे थे, परंतु भूवैज्ञानिक सेतु के उत्तर में समुद्र की सतह की ऊंचाई दक्षिण क्षेत्र से अधिक होना ही इन दुर्घटनाओं का कारण मानते हैं। सेतु के निर्माण के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान ने अपनी विशाल सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने
रावण के सभी सेनापतियों कुंभकर्ण तथा मेघनाद आदि का वध कर दिया। अंत में श्री राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए हुए अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर रावण को मौत की नींद सुला दिया। रावण का दाह संस्कार किया गया और विभीषण का राज्याभिषेक। वाल्मीकि रामायण की रचना के बाद लगभग 400 रामायण के संस्करण अलग अलग भाषाओं में लिखे जा चुके हैं। फिर इस रामायण को रचने का औचित्य, कारण ये है कि वो सब संस्करण भक्ति भाव और आस्था से लिखे गए हैं, जिनको पढ़ने के बाद ये सोच में पड़ जाते हैं हम कि श्री राम काल्पनिक भगवान थे या वास्तविक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान। इस प्रश्न का वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से उत्तर ढूंढने के उद्देश्य से मैंने इस पुस्तक रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी की रचना की, और बहुआयामी वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह प्रूव किया कि श्री राम एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने आज से 7100 वर्ष के लगभग पहले जन्म लिया और इतने महान और कल्याणकारी कार्य किए कि लोगों ने उन्हें नर से नारायण माना। लंका में अनेकों ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण काल से माना जाता है। लंकावासी अशोक वाटिका को नुवारा एलिया में स्थित मानते हैं। युद्ध गनावा को राम रावण युद्ध का मैदान तथा हकागला को हनुमान द्वारा लाई गई जड़ी बूटियों का स्थान मानते हैं। आइए देखें एक मानचित्र। लक्ष्मण, सीता तथा कुछ अन्य मित्रों को साथ लेकर पुष्पक विमान से श्री राम अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या वासियों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। बड़ी धूमधाम, हर्ष तथा उल्लास से श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। उस समय श्री राम की आयु 39 वर्ष और सीता जी की आयु लगभग 35 वर्ष थी। श्री राम ने अगले 11 वर्ष तक एक ऐसे अभूतपूर्व कल्याणकारी राज्य का संचालन किया जो आज तक अद्वितीय है। शोधार्थी सरोज बाला ने अपने शोध से सिद्ध किया कि श्री राम से संबंधित सभी घटनाएं महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और तारामंडल सॉफ्टवेयर के आधार पर सही व सटीक पाई गईं। श्री राम ने सामान्य मानव की तरह जन्म लिया। अपने महान कर्मों तथा उत्कृष्ट विचारों के कारण वे नर से नारायण बन गए। इस वैज्ञानिक पड़ताल का दस्तावेज है रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी।